ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। श्री मेवाड़ केसरी भवन भांडुप में मेवाड़ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट मुंबई द्वारा श्रीमद विजय हिमाचल सूरीश्वर जी महाराज की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित गुणानुवाद सभा में मुंबई, गुजरात और राजस्थान से आए भक्तों की बड़ी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के पहले चरण में वक्ताओं ने आचार्य प्रवर के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन काल में मिली मेवाड़ केसरी, नाकोड़ा तीर्थोद्वारक, 232 प्रतिष्ठा कारक आदि उपाधियों पर प्रकाश डाला। साध्वी सौम्य यशा महाराज ने कहा कि गुरु शब्द का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु हमारी आत्मा को परमात्मा से आत्मसात करवाते हैं। इस अवसर पर साध्वी सुपद मेंद्रश्री और संघ अध्यक्ष रमेश पामेचा ने भी अपने विचार रखे। मानसी पामेचा ने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन के सहयोगियों का मंच पर सम्मान किया गया। इसी पर देखें मनीष पालीवाल की यह रिपोर्ट। पुण्यतिथि के निमित्त जो जन सैलाब उभड़ा या हमारे यहाँ जो पूरा मेवाड़ एकत्रित हुआ, उसके लिए पूरे मेवाड़ का मैं आभार प्रकट करता हूँ, सभी ट्रस्टियों का आभार प्रकट करता हूँ। खास करके गुरु मैया जो उग्र विहार करके कल्याण से पधारे और वापस 14 का उनको वहाँ पहुँचना है, उसके लिए भी उनकी पूरी तरह से अनुमोदना करते हुए गुरु वंदना करता हूँ पूरे संघ की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। और इस साल जो ग्रैंड सक्सेस सबने मिलकर 38वीं पुण्यतिथि मनाई, उसके लिए पुनः सभी ट्रस्टियों का, खास करके महिला मंडल, नवयुवक मंडल, हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष अशोक जी, दूसरे सुरेश जी पामेचा जिन्होंने विहार का सब काम संभाला है, उसके लिए उनकी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। और इस साल दो चार हमारे नए ट्रस्टी भी बने, उसके लिए उन सब ट्रस्टीज़ का भी मैं खूब खूब आभार प्रकट करता हूं। और संघ को इसी तरह विकास की तरह कोशिश करेंगे हम। मेरे भाई, मेरे राम स्वरूप भाई ने जो ये हमें मेवाड़ भवन सौंप कर गए हैं, उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए पूरे संघ के साथ मिलकर जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश ज़रूर करूँगा। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। सभी गुरु भगवंत के जितने भी हमारे आचार्य भगवंत श्रीमद विजय हिमाचल सूरीश्वर जी के सानिध्य के जितने भी परंपरा में जितने भी गुरु भगवंत है, उन सबको याद करते हुए और विशेष रूप से हमारे प्रेरणा मेवाड़ केसरी भवन की प्रेरणादाता कमल प्रभाषी जी साध्वी जी भगवंत के भी चरणों में वंदन करता हूँ। और उन्होंने जो प्रेरणा देकर हमें हमारे इस मेवाड़ केसरी भवन के रूप में हमने एक प्रयास शुरू किया, और मोहन जी मेरे प्रिय मित्र फाउंडर अध्यक्ष जिनसे प्रेरित होकर हम सब ने यहाँ पर इसको एक ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। लेकिन उनके भाई अध्यक्ष महोदय श्री रमेश जी पामेचा ने भी उन्हीं के कदमे पर चलते हुए इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने एक नया हॉल भी ऊपर लिया, और उसको भी इसके साथ साथ आने वाले दिनों में और भी इस तरह के कई कार्य करने का हमारा यहाँ पर हमने दृढ़ संकल्प लिया है। पुण्यतिथि विशेष रूप से हर साल, आज पिछले कई साल से ये 38वीं पुण्यतिथि, और यहाँ पर पिछले 15 साल से पुण्यतिथि का जो माहौल है यहाँ पर हम लगातार मनाते आ रहे हैं। और अभी आने वाले दिनों में इस पुण्यतिथि पे हम और गुरुदेव के जो विचार रहते थे और जो हमेशा वो प्रेरणा देते, मानव सेवा की जो खास करके प्रेरणा देते थे, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि पुण्यतिथि के दिन यहाँ पर हम मेडिकल कैंप्स वगैरह लगावे, ब्लड कैंप्स वगैरह लगावे और आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़े। आज मेवाड़ भवन, मेवाड़ केसरी भवन में 38वीं पुण्यतिथि का मंगलमय कार्यक्रम रहा, जो बहुत ही निर्विघ्नता से बहुत मंगलकारी ये प्रोग्राम हमारा पूर्ण हुआ है। बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक थी, गुरु भक्त यहाँ पर मौजूद थे, उनकी सबकी खूब खूब अनुमोदना। और बस इतना ही कहना है कि जब जब भी जीवन में अंधारे छाए हैं, गुरु हिमाचल के नाम से एक अलग रोशनी उन्होंने प्रदान की है। तो गुरुदेव के बारे में जितना कहो उतना कम है, क्योंकि गुरुदेव के नाम में ही एक चमत्कार है, उनके नाम से ही सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि हमारे साधु जी महाराज साहब ने अपने व्यक्तित्व में, अपने प्रवचन में फरमाया कि आपके बच्चे, आपकी युवा पीढ़ी कैसे धर्म से जुड़े,
उसी प्रयास को आगे ले जाने के लिए हमने एक 26 जनवरी को जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं हमारे समाज के, उनको आगे हम कैसे उनकी कैरियर काउंसलिंग करा सके, इसका एक सेशन हम 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं यहाँ गुरुदेव श्री मैथिली जी की पुण्यतिथि 38वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए मांडू पाया, बहुत जोरदार भव्य पुण्यतिथि मनाएगी। गुरुदेव की 38वीं पुण्यतिथि मेवाड़ भवन भांडुप में बहुत ही धूमधाम और शानदार तरीके से मनाई गई। देश विदेश से हर जगहों से भारी तादाद में, भारी संख्या में पब्लिक उपस्थित थी। गुरुदेव को के जो कार्यक्रम को हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्री रविशेखर सूरीश्वर जी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम को। 38वीं पुण्यतिथि पर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे गुरुदेव उस संप्रदाय से आते हैं जो इन्होंने अकबर को बोध दिया था। अकबर को बोध देने वाले हीर सूरीश्वर जिस संप्रदाय से हमारे गुरुदेव आते हैं, हमें नाज है ऐसे गुरुदेव के ऊपर जो ब्रह्मांड में ऐसे विरले ही पैदा होते हैं जिनका नाम तो हीरा था मगर वो हीरा से हिमाचल बन गए। जय जिनेन्द्र, हमारे इधर आज 38वीं स्वर्गारोहण जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। हिमाचल गुरुदेव की बहुत अच्छी मनाई है और हर साल मनाते हैं और आने वाला पुण्यतिथि का भी चढ़ावा आज के दिन बोल लेते हैं और सभी ट्रस्टियों का सबका बहुत सहयोग है, सभी अच्छे लोग अच्छे कार्यकर्ता है, इसलिए इसी संभव हुई है।